दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम पाकिस्तान को हराए और इस एशिया कप को अपने नाम करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के इस मैच पर वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने करी सनसनी मचा देने वाली भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप के मुकाबले की तैयारी शुरू हो गई है। इस दौरान वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने इस मैच को लेकर भविष्यवाणी कर एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार भारत पाकिस्तान के मैच पर वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने किस टीम को जीत का प्रबल दावेदार बताया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान में किस टीम के पास सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एशिया कप की शुरुआत 30 अगस्त से होने वाली है और इसका फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को होगा। इस मुकाबले के लिए 6 टीमें तैयार हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान की टीम अपना पहला मुकाबला 30 अगस्त को नेपाल के खिलाफ खेलने वाली है, तो वहीं भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को खेलने वाली है। और ऐसे में इस मुकाबले की तैयारी में दोनों टीमें लग चुकी हैं। इस दौरान तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जहां पर वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने भी रोंगटे खड़े कर देने वाली भविष्यवाणी की, जिसमें क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े मुकाबलों में बेशुमार है। इससे बेहतर मुकाबला पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों क्रिकेट के सबसे मजबूत टीम है, ऐसे में दोनों के बीच बड़े दिलचस्प से मुकाबला घटित होता है, लेकिन इस बार तो इसका रोमांच और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों टीमें अपने प्रदर्शन में और भी ज्यादा इजाफा कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान के इस बार के एशिया कप के मैच में मुझे पाकिस्तान की टीम मजबूत दिखाई दे रही है, ऐसे में मेरे लिए इस बार पाकिस्तान की टीम मैच को अपने नाम करेगी और भारतीय टीम को एक बार फिर से हरा देगी। तो वहीं आंद्रे रसेल ने बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में इस बार रोमांच की सारी हदें पार होने वाली है। इस बार भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिलेगी, क्योंकि भारतीय टीम इस समय काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी अपनी लय में लौट चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिलने वाली है। भारतीय टीम के पास सबसे बेहतरीन गेंदबाज और सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं, जिनको हरा पाना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं रहने वाला है, और ऐसे में मेरे अनुसार तो भारतीय टीम को ही जीत मिलने वाली है। तो वहीं ब्रायन लारा ने बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के मैच में हर बार रोमांच की हदें पार होती हैं। भारतीय टीम ने हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ दबदबा कायम किया, लेकिन पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की टीम ने भारत को परेशान कर भारत को दिक्कतों में डाला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के इस बार होने वाले मैच में भारतीय टीम को जीत एक बार फिर से मिलने वाली है, क्योंकि भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ियों के वापसी होने से भारतीय टीम अब मजबूत दिख रही है और पाकिस्तान की टीम के सामने बेहतर प्रदर्शन करने के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अभ्यास भी किया है, ऐसे में मेरे अनुसार भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में किस टीम को जीत मिल सकती है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।